अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर। आज मैं गुलबर्गा को आए हुए एक ख़ास मेहमान जो मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा गुलबर्गा नॉर्थ के MLA हैं, उनकी दावत पर आए हुए मेहमान मुफ्ती मोहम्मद सईद असद कासमी साहब, जो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया अंजुमन इस्लाम वेस्ट बंगाल हैं और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल दिल्ली के आसनसोर से जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मैं मौलाना का हमारे इस चैनल पे तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके चैनल से बात करूँ। तो मौलाना से पहला सवाल ये किया जाता है कि मौलाना, हमने देखा है कि आप आज 2 से 3 प्रोग्रामों में आपने तकरीर की है। जिस प्रोग्राम में आपने तकरीर की वो एक कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम थे और आपने उसमें आवाम को कांग्रेस पार्टी को वोट करने के लिए अपील भी की थी। तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि क्यों आज कांग्रेस को वोट करने की ज़रूरत है, किस बुनियाद पर आपने कांग्रेस को सपोर्ट करने की ऐलान किया है? ऐसा है कि इस मुल्क में इस वक्त तो जो 5 सालों से जो कंडीशन हम देख रहे हैं मुल्क का, फास्टेड ताकतों ने मुल्क की एकता और ये कहिए कि एकता अखंडता गंगा जमनी तहजीब को बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ कर करके रख दिया है। और कल तक जो लोग आपस में भाई बनकर रहा करते थे, मोहब्बत के साथ रहते थे, एक दूसरे के दुख दर्द और गम में शरीक हुआ करते थे, आज नफ़रत की ऐसी बीज उनके दरमियान डाल दी गई है कि लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। मामूली सी बातों पर छोटी छोटी बातें होती हैं और ऐसा लगता है कि किसी ख़ास तबके को ऐसा ट्रेंड किया गया है कि उन छोटी छोटी मामूली बातों को भी बड़ा बना करके और एक फसाद का शक्ल इख्तियार ला, और फौरन घर जल रहे हैं, दुकानें जल रही हैं, तो गाड़ियाँ जल रही हैं, और एक तरह का एक ऐसा, और मीडिया भी उसको इस तरह लेती है कि जैसे कि कोई एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ जो है ये उसको निशाना बनाया जा रहा है, और उसको लेकर कर कर के जो है बदनाम करने वाले कोई होते हैं, नाम किसी का आता है और ऐसा हुआ खड़ा कर दिया जाता है कि लगता है कि पूरा मुल्क तबाही के दहाने पे है और एक ही कौम ऐसी है जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे, बाकी सब लोग जो है मुल्क के हमदर्द हैं। नहीं, जिस जो हालात आप बता रहे हैं, क्या ये हालात कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद सुधर सकते हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, अभी जो माहौल है और इस वक्त जो मुल्क जिस स्टेज पे पहुंच गया है, तो मैं ये ख़तरा महसूस करता हूँ, मेरा ज़ाती दरवाज़ा, कि जिस नक्शे पर ले करके मौजूदा हुकूमत चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क टूट फूट का शिकार हो जाए। और ये कहीं ना कहीं खुलकर ये कहती है कि हम आइन को, दस्तूर को, जो नहीं हम कल आएंगे हम अगर तो वोट का हक छीन लेंगे और फलां और डिगां, तो इस तरह से ऐसा पता चलता है कि एक ये फ़िरका परस्त ताकतें ऐसा मंसूबा बना के रखी हैं कि अब आज के ये आखिरी इलेक्शन होगा, इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा। तो इस वक्त जो हमारा मिशन और हम लोगों की तहरीक है कि सेकुलर पार्टियां फास्टेड पार्टियों के मुकाबले में जो सिकल पार्टियां हैं और जहां जो मजबूत कंडीशन में, जहां कांग्रेस मजबूत कंडीशन में, हम बिल्कुल भरपूर हिमायत करते हैं कि वो कांग्रेस को वोट करें। इसी तरह अगर कहीं दूसरी जगहों पर जहां दूसरी लोकल पार्टियां अगर इस पोजीशन में, वो जीतने की पोजीशन में हैं सेकुलर पार्टियाँ और गैर सेकुलर पार्टियों के मुकाबले में वो हैं, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ उनकी हिमायत करें, क्योंकि हमको मुल्क बचाना है, मुल्क का दस्तूर बचाना है, मुल्क का कानून बचाना है। इसलिए कि किसी मुल्क का अगर कानून दस्तूर महफूज नहीं रहता है और नहीं बच पाता है, तो वो मुल्क भी महफूज नहीं रह पाएगा। हमारा मुल्क एक सेकुलर जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क क्या है, उसकी जमहूरियत की बका के लिए और इस मुल्क की हिफाजत के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे हैं कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस ने कर्नाटका में सिर्फ एक मुस्लिम को टिकट दिया है और एक एनालिसिस ये भी बताता है कि वहाँ पर जीतना बहुत मुश्किल है। तो आपको नहीं लगता कि क्या कांग्रेस मुसलमानों की छुपी हुई दुश्मन है? लोग कहते हैं कि BJP खुली दुश्मन है और कांग्रेस छुपी हुई दुश्मन है, तो इस तरीके से आप क्या कहें? देखिए, मामला ये है कि माजी में कुछ चूक कांग्रेस से कहीं ना कहीं हुई है, कुछ ना कुछ, और उस चूक को
अब उनको भी एहसास हुआ है कि 5 साल में हम जब सत्ता से दूर रहे और इस तरह की हुकूमत आई कि मुल्क को बिल्कुल चरबरा कर रख दिया है, मईशत भी उसकी गड़बड़ा गई है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को अपनी ग़लती का एहसास हो जाता है और फिर वो अपने अंदर सुधार पैदा करने। तो इस वक्त मुझे लगता है कि कांग्रेस माजी में जो चूक और गलतियाँ जहाँ कांग्रेस है उसको नहीं दोहराएगी। और जहाँ तक बात है कि इस वक्त कैंडिडेट का कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट्स और वहाँ, तो अभी जो सूरत हाल है उस सिलसिले में उन्होंने बहुत कुछ हालात को सामने रखते हुए फैसला किया है और जहां से मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने कम दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि वहां से उनके जहन में ऐसा और मुझ तक बातें भी पहुंच रही हैं कि राज्यसभा वगैरह में वो मुस्लिम कैंडिडेट्स का इजाफा करेंगे और हम इसकी उम्मीद भी रखते हैं और ज़रूरत पड़ी इसकी तो इंशाल्लाह हम ऊपर के जो आला कमान और हाई कमान है हम उससे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह थोड़े कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मिली काउंसिल का कर्नाटका की गवर्नमेंट से ये मुतालबा और रिक्वेस्ट हुई थी कि कम से कम कर्नाटका में 4 से 5 सीट दी जाए, तो इस मुतालबे पर कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों का साथ नहीं दिया, तो इस तरीके कुछ और आप लोगों के ऑर्डर या फिर आप लोगों के रिक्वेस्ट कांग्रेस पार्टी से हैं? देखिए, इस वक्त तो जो सूरत हाल है कांग्रेस पार्टी के साथ, यकीनन हमारे आला कायदों ने और आला ज़िम्मेदारान ने इसको महसूस किया, जहां कर्नाटक के लिए वहां उन्होंने मुतालबा रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि मैं वही बात दोहराऊंगा कि यकीनन इस पर संजीदगी से कांग्रेस गौर करेगी और आगे जो है टिकट के सिलसिले में हो या फिर आगे राज्यसभा वगैरह का या दूसरे आला अहदों पर भी वो ज़रूर अकलियतों को लाए गए। इस वक्त हमारा मिशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है फ़िरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए हम सेकुलर जहन के लोगों को सामने लाएं और उनसे कहें कि भाई आपसे भी अगर कहीं माजी में कुछ गड़बड़ हुई है या कहीं आपको तो आपने उसका खमियाजा भुगता है, आइंदा आप उसको न करें, मुल्क की सालमियत के लिए और मुल्क की खातिर आप सामने आइए, हम आपके साथ हैं। जहाँ तक आप मुफ्ती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक दीनी आप मैंने सुना है कि आपने दीनी खिदमत भी बहुत ज़्यादा किए हैं, फतावे भी आपने जारी किए हैं, तो मैं आपसे एक कुछ सवाल ऐसा करता हूँ कि क्या दीन और सियासत को किस तरह आप देख सकते हैं कि कुछ लोग का जहन ये होता है कि जो दीन से रिलेटेड होता है तो और सियासत में आना उनके लिए बेहतर नहीं है, तो दीन का और सियासत का क्या रिश्ता है? देखिए, मसला ये है कि दीन और सियासत का रिश्ता, ये आप या जिन लोगों के जहन में इस वक्त सवाल उभर रहा है ये और ये समझ रहे हैं कि दीन और सियासत का रिश्ता, तो हमने मुल्क की सियासत हमारी इस वक्त और जिसको हम कहें अंग्रेजी के पॉलिटिकल पोजीशन, हमने उसको इतना गंदा कर दिया है इस वक्त और इतनी सतही जुमलों का इस्तेमाल और इस तरह ज़ातियात पर हमले और भी सियासत का गलत फ़ायदा और नाजायज़ फ़ायदा हमने उठाना शुरू किया है, तो अब सियासत जो है बहुत गंदी डाली की तरह महसूस होने लगा कि बहुत गंदा गंदी जगह है और कचरे की जगह है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हमने अगर उसको गंदा किया है तो अच्छे लोगों को और शराफा को इसमें आना चाहिए और आ करके इस गंदगी को दूर करके फिर से सियासत को साफ़ सुथरा सियासत का माहौल बनाना चाहिए जो काम करे और जिस काम पर यकीन रखे। दीन का रिश्ता और सियासत से रिश्ता यह है कि दुनिया को यह सही कहिए कि सियासत करना तो हमने सिखाया है कि भाई पॉलिटिकल क्या है और सियासी तौर पे हमारा शऊर क्या होना चाहिए और किस तरह हम सियासत में लोगों को लाएं, तो हमारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मस्जिद नबी से तशरीफ़ फरमा होकर जो है पूरी दुनिया की क़यादत की है, आपने हुकूमतें की हैं, हुकूमत का तरीक़ा बताया है, अवाम की खिदमत किया है और अवाम की खिदमत को भी बताया कि कैसे करना है। तो सियासत दरअसल क्या है? हुकूमत बादशाहत को नहीं, हुकूमत यह है कि हम अपने रियाया और अपने अवाम का और अपने मुल्क की हिफाजत का मुकम्मल ख्याल करें, उसकी ज़रूरियात को पूरे मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाएं, बेरोज़गारों को रोज़गारी फराहम करें और जो कुछ हो सकता है मुल्क के लिए और आवाम के लिए हम खिदमत को तैयार करें और उसके लिए सही सियासी शऊर में हम लोगों को बेदार, सियासत ही है और दीन तो इसकी इजाज़त देती है। इसके अलावा इस बार के इलेक्शन में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे आलिम दीन, मुफ्तियान कराम और दीनी खिदमत जो अंजाम देते हैं वो खुल के सामने आकर कांग्रेस पार्टी को तायद करने के लिए और सेकुलर पार्टी को तायद करने का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि हर बार देखा है हमने इससे पहले भी इलेक्शंस में, लेकिन इस बार ज़्यादा आलिम दीन जो है बाहर निकल के आ रहे हैं, तो क्या वजह है और इस इलेक्शन का कितना ज़्यादा अहमियत रखती है इस इलेक्शन में? देखिए, पहले एक बात मैं आपको बता दूँ
تاریخ کے حوالے سے پہلے تھوڑا سا دو تین سال میں پیچھے چاہتا ہوں. 2016 میں اسی گلبرگہ میں پہلی مرتبہ جناب مرحوم قمر الاسلام صاحب کی دعوت پر آل انڈیا ملی کونسل کی ایگزیکٹو باڈی میں آیا تھا, اور اس وقت بھی ایک اوپن اجلاس ہوا تھا یہاں جس پہ میں نے بات کہی تھی, اور اس وقت بھی ہم نے یہ رکھا تھا, ان کے چند جملوں کو میں دہرا دیتا ہوں اسی تاریخ کے حوالے سے, کہ اس ملک پر جب جب پریشانیاں اور مصیبتیں آئی ہیں اور جب جب اس ملک یہ ملک جو ہے حالات کے شکار ہوئے ہیں, تب تب مسلمانوں نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو سنوارا ہے. جنگ آزادی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو ہم ہی ملیں گے آپ کو, آئیں برادران وطن بھی ساتھ رہے ہیں, لیکن جس وقت باری آئی ہے گردنوں کی تو اس وقت ہم ہی پیش رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ آتے گئے, کارواں بنتا گیا, اور مل جل کر کے ایک جٹ ہو کر کے ہم لوگوں نے ملک کو آزاد کرایا. آج بھی ملک پر کچھ اسی طرح کے حالات ہیں, ملک ذہنی غلامی کا شکار ہے, ملک کی معیشت گڑبڑا سی گئی ہے, ملک فرقہ پرستوں کے چنگل میں جا کر کر کے ملک کا بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے, اور جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ پڑوس میں ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں پرب میں تہوار میں شادی بیاہ میں سب میں شریک رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دست و بازو بن کے رہتے ہیں, آج کہیں نہ کہیں وہاں نفرت پیدا ہو گئی ہے اور یہ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. تو آج بھی ملک کے ان علماء کو اور ملک کے اعلیٰ قیادتوں کی ضرورت اس بات کی پڑی ہے کہ ہم سامنے آئیں اور سامنے آ کر ملک کی حفاظت کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے ملک کی بہتری کے لیے ہم اپنی قربانیوں کو پیش کریں, اور اس کے لیے اس جمہوری ملک میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کی دستور کی حفاظت کی جائے. ووٹنگ بھی ایک دستوری حق ہے, اس لیے ہم سامنے آئے ہیں کہ لوگ اپنے حق کا صحیح استعمال کریں, اس لیے کہ یہ ایک نعمت ہے ایک طرح سے. آج آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے, آپ اپنے گھروں پہ بیٹھے رہیں گے اور آپ اپنے حق کو آج خود سے چھوڑیں گے تو کل یہ پلاننگ اور یہ منصوبہ تیار ہے کہ آپ کا حق آپ سے چھین لینے کو, اور جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. اس وقت ملک کی حالت آج سے بھی بدتر ہوگی, اس لیے علماء کو پھر ضرورت پڑی ہے ملک کو, اور ملک کے لیے علماء تیار ہیں. کل بھی علماء نے قربانیاں دی ہیں, پوری تاریخ ہماری پڑی ہے کہ چاندنی چوک تک کوئی درخت ایسا خالی نہیں تھا جہاں علماء پھانسیوں پہ لٹ کے نظر نہیں آتے تھے. ایک انگریز مورخ نے اس وقت کا ایک لکھا ہے, ایک آفیسر نے, کہ علماء کی لاشیں پھانسی پہ لٹ کے وہ انگریزی کی آٹھ کی طرح ہو جایا کرتی تھی. تو کل بھی علماء کو اس دیش کی ضرورت پڑی, علماء پیش رہے, آج بھی علماء کو ضرورت پڑی ہے اس دیش کو, تو آج علماء پیش ہیں اور لوگوں کو اس طرف راغب کر رہے ہیں. اور آپ کے اس چینل سے میں لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ووٹ کریں, اپنے اس دستوری حق کا استعمال کریں اس سے پہلے کہ اللہ کی یہ نعمت آپ سے چھین جائے جو منصوبہ فرقہ پرستوں کا ہے. اس لیے ان کے فرقہ پرستی پر آپ پانی پھیریں, اس کے ذہنوں کو جو ہے برباد کریں, اور اس کے دماغ پہ یہ زور لگائیں کہ ہم جمہوریت ہمارا حق ہے, اور ہم ملک کی جمہوریت اور اس کی سالمیت کے لیے ہر حربے کو استعمال کرنے کے تیار ہیں جس سے ہمارا ملک محفوظ ہو. اس لیے میں ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ سب لوگ اپنے اس دن جس دن آپ کے یہاں الیکشن ہے 23 اپریل کو, آپ سب نکلیں اور اپنے اس دستوری حق کا استعمال کریں, بھرپور استعمال کریں, اور آپ کے یہاں ایک بہترین قائد اور لیڈر, اچھے لیڈر کو جو اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کیا ہے اور ہر غلط بات کو انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی جواب دیا ہے, ملک ارجن کھڑگے صاحب, تو آپ ان کو ووٹ کر کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ ان کو کامیاب کریں. آپ ان کو کامیاب کریں گے, اپنی لوکل قیادت کنیز فاطمہ جو آپ کے ایم ایل اے ہیں یقیناً آپ ان کو مضبوط کریں گے اور آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں کہ ارجن کھڑگے صاحب کامیاب ہوں اور آپ لوگوں کی ترقیات کے لیے, گلبرگہ کی ترقیات کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ان کو کام کا موقع فراہم. ہاں, جس طرح مولانا نے فرمایا کہ ووٹنگ ایک ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے, یہ نعمت چھین جانے سے پہلے آپ اس نعمت کا استعمال کریں, بہت اچھی بات آپ نے کہی. تو اسی بات کے ساتھ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جو آپ نے ہمارے چینل پر جو ہے وقت دیا اور آپ کے انمول باتوں سے ہمارے ویورز کو سرفراز فرمایا آپ نے. تو میں ہمارے ویورز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے, اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو اس اچھی باتوں کو آگے شیئر کریں اور اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں. تھینک یو فار واچنگ دا گلبرگہ.